बोल दो ना कि भैया इतना टाइम लगेगा, आराम से आओ। तो वेटिंग चार्ज होगा 300 रुपये। नहीं भैया, मेरा वेटिंग चार्ज नहीं देती, रैपिडो नहीं देती। इतनी तेज ये हरा देगा, मुझे पता है ना, इनके पास दो दो लड़की की पावर है। अरे नहीं नहीं रखो भैया, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं भैया, अब रखो भैया, रखो, अरे रखो, अरे नहीं अब रखो, अरे नहीं कोई नहीं। 70 से 75 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार टाइमिंग। ये देखो, रात के 11 बज रहे हैं और मैं खाना खाने के लिए रेडी हूं। ये मेरा रोटी और अंडा कड़ी है। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज की वीडियो क्या होने वाली है, तो मैं जस्ट खाना खा लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं सीधा राइड पे। पूरी रात की जो राइडिंग है वो दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, तो दोस्तों प्लीज पूरा देखना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं। आज वंश को नहीं आना है क्या वीडियो में? ओ नो, क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा जाओ, नहीं आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। ओला में राइड आ गई दोस्तों पहली। चलो कस्टमर को पिक करते हैं। आप ही हो? आप अभी आओ ओला। हाँ हाँ, मिल गए मिल गए। तो ये 11 किलोमीटर की राइड है पहली ही, इनको अशोक नगर जाना है, ड्रॉप करते हैं। और ये एक मार्केट है जहाँ पे हम लोग मिले थे दोस्तों, मीटअप रखा था, बीकानेर स्वीट्स। ये पूरा रात भर चलता है ये वाला मार्केट। हाँ ये पूरा रात चलता है। हाँ ये लोग नाइट राइड पे निकले हुए हैं लगता है, कब से आगे पीछे हो रहे हैं, जा भी नहीं रहे ना, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे। ये भी नाइट राइड पे निकले क्या? अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ बहुत कपल घूम रहे हैं आज। हम भी रेस कर रहे हैं क्या? हमारे में तो जगह है, पीछे बैठा सकते हम। अब हमारे में तो ज्यादा जगह है क्या? इतनी तेज ये हरा देगा, मुझे पता है ना, इनके पास दो दो लड़की की पावर है। इसलिए हरा देंगे हमें। नोएडा में पुनः आगमन प्रार्थनीय है। लो जी, ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर आ गया जी, अशोक नगर, इसे बोलते हैं ठेका। यहीं रहते हो आप? अरे आराम से उतरना भैया। अच्छा इधर लो अपना। आपकी राइड 116 रुपए की है भैया। तो ये रवि यादव जी, ये भी कार जो है ड्राइव करते हैं दोस्तों, ये डिज़ायर चलाते हैं, और आज ही इनका काम जो है बढ़िया हुआ है। क्या आज इनका काम जो है 3800-3900 रुपये का हुआ है? और अच्छा सर जा रही थी। अच्छा हाँ, 12 घंटे में काम अच्छा निकला है। हाँ ये बात तो है, लेकिन आप सुबह 4 बजे से चला रहे हो शाम के 5 बजे तक, ये भी तो सर बहुत बड़ी वो होती है। अब हम चलाएंगे हाँ, ये फर्क है, सही बात है, बार बार डलानी पड़ती है। और फिर बैठे आपका बैठे भी, आप अंदर बैठे हो ना और हम हवा में ये भी फर्क है, हमको आराम भी है ये। तो अगर जो नया कोई गाड़ी आना चाहता है उसके लिए आप क्या संदेश दोगे? जो नया कोई ड्राइवर ऐसे काम करने के लिए आना चाहता हो टैक्सी में, उनको क्या बोलोगे आप? मतलब नहीं आए ना? नहीं ना, आए या ना आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। अच्छा अच्छा तो लगता है, ठीक रहती है। हाँ लेकिन ये पैर है ना। हाँ फंसते हैं ना। अच्छा, और रात को सोते टाइम मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे करते रहते हैं ड्राइवर लोग। आपको लगता है एक्सपीरियंस कम है? एक और है। हाँ एसी के चक्कर में नींद भी आती है। हाँ ये बात तो सही कही है। अच्छा आपका 16-4 रुपये, चलो कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू सर, ठीक है, धन्यवाद जी। क्लीन योर कार। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, मैं अभी आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा सो मज़ा आ जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं खड़ा हूँ बॉर्डर में, ये नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है, ठीक है, अशोक नगर, ये बोर्ड देख सकते हैं आप। तो लास्ट राइड का मुझे जो पैसे मिला वो 100 रुपीज़ मिला 11 किलोमीटर का, और आज का जो दिन था वो कुछ इस तरीके से गया था, अभी मैं आपको बताता हूँ। और पूरी रात अभी जानी बाकी है, तो मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखा दूं दोस्तों, वो क्या है, वो है मेरा हेलमेट।
ये हेलमेट आप देख सकते हो, ये मैंने रिसेंटली यानी आज पहला दिन है इसका, पहला रात है, मैंने आज इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो वेट है ना वो 101 kg है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि भारी जो हेलमेट से ब्लॉक करने में, तो इसलिए मैंने इस हेलमेट को परचेज कर लिया है। मतलब रात के 12 बजे भी यहाँ पे देख रहे हो कितना रौनक है यार, और होना भी चाहिए, आखिर बॉर्डर है। दोस्तों आज शाम को यानी कि सैटरडे 14 तारीख है आज, और अब तो 15 हो जाएगा, तो आज मैं मतलब चिंतामणि जयपुरी भाई और पप्पू पाजी और शुभम चौहान भाई जो थे, ये पल्सर का 220 जो न्यू बाइक आई है उसका बनारस से गाजियाबाद तक का राइड करते हुए आए। 7 तारीख से उनकी राइड जो थी स्टार्ट थी और आज मैं भी मिल के आया हूँ, तो वो वाला वीडियो आप देख लो उन्होंने क्या कुछ कहा है हम लोगों के लिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने वापस राइड। आगरा से भी ज्यादा एनर्जी यहाँ देखने को मिली। थैंक यू आने के लिए और हमारा सम्मान। थैंक यू। सबसे पहले मैसेज मेरा ये है कि भाई आप वीडियो जो भी बनाते हो एक तो सेफ्टी बनाओ, देन उसके बाद राइडिंग गियर जो है हेलमेट राइडिंग गियर प्रॉपर इसको यूज करो, कि कहीं भगवान ना करे कोई भी नुकसान हो कोई भी दिक्कत हो, राइट सेफ करो। आप सोम भाजी, थैंक यू भाजी। मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग ड्रैग रेस कर रहे हैं आज के यूथ, जिनको देख कर वो कर रहे हैं तो उनको अच्छे से देख ले वो, क्योंकि वो जब ड्रैग रेस कर रहे होते हैं पूरे गियर के साथ में होते हैं, और हमने ये देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लेके आ रहे हैं, कंटेंट बनाना अच्छी बात है लेकिन विदाउट गियर और चप्पल और जूतों में आप टेस्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा गलत है, वो बुरा लगता है, क्योंकि आपको भी लोग फॉलो करते हैं और फिर वही बच्चे आपको देख कर राइड कर रहे होते हैं या ड्रैग रेस कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस ये इतना ही है कि यार कॉन्टेंट बनाओ लेकिन ड्रैग रेस देखिए विद गियर। आप ये देखो सोम भाई ने बहुत अच्छा से हम लोगों को भाई जो राइडिंग करो हमेशा सेफली करो। आज मुझे मौका मिला है VSK व्लॉग्स की मोटरसाइकिल पे बैठने का, राइड करने का, और इस बाइक पे ये ना जाने कितने भूखे लोगों को का आशीर्वाद लेते हैं, कितने लोगों के पास खाना पहुंचाते हैं। मैंने भी एज अ जोमेटो भाई एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे 1-2 million व्यू चले गए थे, मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा था। आज भाई से मिलने का मौका मिला मुझे और ये बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे ही भाई को जैसा आप प्यार दे रहे हो देते रहिएगा, इससे भी ज़्यादा देते रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी भाई के बारे में बताइएगा और इनका चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। जैसे हम देखते हैं ना लाइव, मतलब यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, मोबाइल पे देखते हैं, मतलब बड़े टीवी में देखते हैं, जब वो क्रिएटर हमारे सामने आता है तो बहुत ऐसा फील होता है यार, और लग नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, कनेक्शन फील हो रहा है। अभी नेक्स्ट डे हो गया यानी 15 तारीख आज का डेट हो गया, 12:09 हो रहा है, बैलेंस देखो 100 से 0 हो गया ना, अभी हम यहीं खड़े हैं। होप आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, हम जो मीटअप का था, मतलब थोड़ा सा मीटअप था, उन्होंने काफ़ी अच्छे संदेश दिया कि भाई आप लोग राइड वाइड करते हो सेफली करो। थोड़ा सा हम चलते हैं अंदर क्योंकि यहाँ पे राइड आ नहीं रही है, हम चलते हैं अंदर। राइड आ गई भाई, राइड आ गई, एक्सेप्ट। अमित भदौरिया जी कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहे ये बरोला का फायर स्टेशन है दोस्तों, सेक्टर 5 नोएडा, तो ये सब फायर स्टेशन की गाड़ियां यहां से वहां तक लगी हुई है, बोले यहां आके वेट करो भैया बिजी जा रहा है, दोबारा कॉल कर लेते हैं। क्या यार फ़ोन ही नहीं उठा रहा अगला बंदा। रैपिडो के कस्टमर का यही है, मैंने देखा अक्सर ओला वाले ना बिल्कुल एग्जैक्ट सही होते हैं, बट रैपिडो के कस्टमर ऐसे ही करते हैं यार। एक मिनट कर रहा हूँ फिर कैंसिल मार दूँगा। रात को 12 बजे यहाँ हम सर्विस दे रहे हैं बगले को, 12 बजे। हाँ भैया कहाँ भी जियो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लोकेशन पे। भैया बाइक मोबिलिटी का मतलब है कि आप आपको जल्दी सर्विस के लिए आप बाइक बुक करो यार, ना तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं ना आपके किसी से बात कर रहे हैं, आप बात करो, मैं बात से थोड़ी आपको मना कर रहा हूँ। नहीं तो आप बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो मेरे से, ये बताओ ना आप। दो मिनट भैया बाइक करके आप हम चलाए हो कभी बाइक, आप चला के देखो ना, जो इंतजार का मतलब क्या होता है, बाइक करके यार हमें इंतजार करवाते हो आप लोग।
नहीं होता इसमें ऐड कोई वेटिंग वेटिंग का भैया। भैया कितनी देर में बोला था आपको आके, फोन सारी कॉल दिखाऊं क्या डिटेल आपको? कॉल भी कुछ चलती है ना काम से? हाँ चलती है भैया, बोल दो ना कि भैया इतना टाइम लगेगा, आराम से आओ। वेटिंग चार्ज होगा 300 रुपए। नहीं भैया मेरा वेटिंग चार्ज नहीं देती, रैपिडो नहीं देती। हाँ चलो, देखो ऐसे कस्टमर होते हैं, एट के जा रहा है मेरे से। अब ये कैंसिल भी नहीं करेगा, कस्टमर आज टू कैंसिल कर रहा हूँ, अब कंफर्मेशन के लिए 2 मिनट वहाँ पे करेगा। ये रैपिडो की बहुत बुरी बात है। अब 10 मिनट बंदा वेट करा रहा है रात को 10 बजे 12:30 बजे। ऊपर से एट देखा आप लोगों ने दोस्तों, ऐसे कस्टमर होते हैं कुछ लोग। और पी रखा था ये, पक्का पी रखा था, गुटका भरा हुआ है पूरे मुंह में। ओला में राइड आ गई, उसी कस्टमर की राइड है दोस्तों, फिर से रैपिडो में उसी बंदे की राइड थी मेरे पास। और ये जो राइड थी ना, ये देखो फिर से उसी की राइड है ये। और ये गाजियाबाद जाना था इसको, अब ये भूल गया कि गलत पंगा ले लिया भाई। देखो राइड पे राइड उसी की आ रही है ये, और क्योंकि है ही नहीं कोई राइडर यार, 1 बजे तुम्हें सर्विस दे रहा है, तुम उल्टा 8 के बात कर रहे हो। कर निकलो निकलो, देखा आप लोगों ने देख ही लिया यार, ऐसों को क्या बोलोगे जरा कमेंट में 2-4 सुना दो, बड़ा अच्छा लगेगा दिल को, ऑफलाइन हो जाए। लोकेशन से 100 मीटर पहले एटलीस्ट जो है अराइव कर दो, या फिर अगर आप ऑफलाइन होते हो तो ऑनलाइन आ जाओ। हाँ जी लोकेशन पे आ गए हम, इधर कपल बैठे हैं, डोमिनो है। ओला में 5 मिनट के बाद जो है डीडीडी नहीं लगता है। ये भी नहीं उठाएंगे क्या दोस्तों? अभी जो मैम की राइड आई हुई थी ना, वो अभी भी राइड ऑन है और फोन ही नहीं पिक कर रही है। तो पता नहीं आज रात को ऐसे होता नहीं मेरे साथ, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और वैसे होता है कभी कभी, इससे भी बुरा हो जाता है। तो अभी मैं अशोक नगर का, ये डोमिनो मेरे पीछे है, ये मेरी बाइक खड़ी है, लाइट इसलिए जला के रखा हूँ ताकि मुझे भी रोशनी मिले, और मेरे गोप्रो की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है तो वो भी चार्ज हो जाएगा। और आजकल मैं कुछ ऐसे ही अपने मोबाइल से जो है ब्लॉग कर रहा हूँ फ्रंट का, तो बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे राइड पे, क्या होता है देखते हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं सेक्टर, पता नहीं कौन सा सेक्टर है यार, ये नोएडा सिटी सेंटर में है। और हमारे जो है राजू भाई, पता होगा आप लोगों को, आज ना एक्चुअली सैटरडे नाइट है, कल संडे मॉर्निंग पड़ेगा। तो राजू भाई जो है ये भी रात को चलाते, भाई नाइट राइडर है ये भी, खूब मजा आता है। तो हम बात किया कि यार कहाँ हो, एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं माजा पी रहा हूँ और वो पी रहे स्टिंग। मैंने गलती से रैपिडो ऑफ करना भूल गया था, तो राइड आ गई थी कस्टमर का। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर वापस ऑनलाइन आएंगे। और एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि आखिर बाइक कितनी चली, मैंने राइड कितनी ली, कितने पैसे कमाए, कितने गवाए एंड ऑल दैट। और हमें एक भाई मिले थे ना बनारस वाले अभी वहाँ पे, जस्ट अभी थोड़ी 5 मिनट पहले, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। और रात को लेकर कि भैया रात को मौसम तो सही है, उनको आनंद बिहार का मिला, मेरे सामने उनके मतलब दिल्ली का भी आया, बट वो लिए नहीं। तो डर लगा रहता है यार, कहीं एक्सीडेंट का भी डर और लूटपाट का भी डर। भाई पता नहीं क्या हुआ अचानक दोस्तों, और ये सभी सिटी सेंटर के पास ही है, लगभग आधा घंटा हो चुका है, और ये देख रहे हो लौंडे यहाँ पे मतलब मारा मारी कर रहे हैं, वो पकड़ उसको मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पता नहीं हो क्या गया है। तो ये मामला समझते हैं फिर बताते हैं आखिर हुआ क्या है। तो अभी हम लोग खड़े थे दोस्तों, PCR आई, वो अब वहाँ खड़े हो गए वो लोग, जाएंगे क्या उधर, कह रहे क्या है यहाँ। तो आज जो GoPro है मेरे को बहुत धोखा दे रहा है, मतलब इस मुझे लग रहा है दूसरी बैटरी डाल लाया हूँ, 2 बैटरी है, एक है ख़राब हो चुकी है लगभग और एक सही है। तो 2:26 हो चुका है दोस्तों, अर्निंग पता नहीं 450 के करीब हो चुकी है, जोड़ूंगा तब पता लगेगा। मैं एक राइड लेके आ गया, हमारे राजू भाई खड़े हैं, चले राजू भाई। मैं तो सोच रहा हूँ निकल जाऊँ, देखूंगा अगर वहाँ तक राइड आई तो ठीक है, नहीं तो चले जाऊँ। अभी क्या हुआ दोस्तों कि मैं अभी ना एक राइड थी, मैं रैपिडो में छोड़ के आया कस्टमर को, तो उसको उसने मुझे कहा कि भैया 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर था, ठीक है। तो उसका जो बिल आया, मतलब बिल जो बैठा, वो 33 रुपीज मिले, आप स्क्रीनशॉट देख लो, तो 33 रुपीज मिले। तो कह रहे भैया दिन में तो मेरे को यार 15 रुपए लगते हैं, अभी रात में फेयर बढ़ गया क्या? मैंने कहा भैया आई डोंट नो, आइडिया नहीं है मुझे रैपिडो का, बट ओला में यस रात को जो है फेयर ज्यादा मिलता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों, देख लो कितना टाइम हो रहा है, ये देखो 2:07 और 15 मई हो रहा है,
और हम लोग खड़े हैं अभी सिटी सेंटर के बाहर। कौन सी मूवी चल रही है भैया? सब खत्म। कौन सी चल रही है वैसे? लास्ट 2 बजे होता है ये मूवी भी खत्म हो गई, लेकिन हम लोग खत्म नहीं हुए अभी। हाँ चलो बैठो। कितने रुपए? रुपए लगते हैं भैया। हाँ तो आओ बैठो। हाँ बैठो बैठो। हंस रहा है, है? अरे बैठो आप, दे देना, खुशी हो के जो कह रहा हूँ, खुश हो के जो देना मनो दे देना, बैठो। आपको छोड़ देंगे 62। जाना तो बीच में, मैं कितने बोल रहे हो? 30 रुपये? नहीं बता रहा हूँ, रोको। एक है किलोमीटर कितना पड़ रहा है? 50 देना भैया कम से कम। राजू भाई जाओगे क्या? सीधा है बिल्कुल, लेकिन 7.8 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर है। नहीं। कोई बात नहीं भाई, क्योंकि देखो मेरा इतना बहुत है। अरे बैठो आप, मैं अब बोल दिया हूँ छोड़ के। अरे नहीं आप बैठो आप, अरे आप बैठो आप बैठो आप छोड़ के आऊँगा। अब बैठो बैठो, चलो बैठो आप, जल्दी बैठ जाओ आप। अरे बैठो, अगर घाटा ना 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 ना, अरे घाटा नहीं, अब बैठो अब बैठो आप, अब बैठो आप भाई, बोल दिया अब बैठो। नहीं तो यार हमारे मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, अरे आप तो भैया इतना छोड़ने वाले तो छोड़े क्यों नहीं उनको। चले राजू भाई हैं। हाँ हाँ उधर से देखूंगा, अगर आया तो ठीक, नहीं तो स्टेटस बता दूंगा। भैया नारियल में वो ढक्कन लगा लो, नारियल में ढक्कन लगा लो। लगा लिए? उनसे उतरना भैया, वो लगा हुआ है ना उसमें। लो 10 रुपये मेरे पास, मेरे दे दो बस वाली। नहीं 40-30 10 नहीं, हम आपको जो बात है वो देंगे भैया। अरे नहीं नहीं रखो भैया, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं भैया अब रखो भैया रखो, अरे रखो, अरे नहीं अब रखो, अरे नहीं कोई नहीं आप रखो आप भैया। देखो आपकी जो सैलरी है ना उस बहुत मतलब 9 घंटे का यार 10-11 हज़ार रुपये में क्या होता है, मतलब और 9 घंटा कहने का होता है सर, टाइम जाता है कम से कम 13-14 घंटा, 1 घंटा आधा घंटा पहले रेडी हो, है ना, फिर जाओ फिर करो, ये चीज़ें हमें पता है, कहने का है 9 घंटे का। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:49 मतलब 50 मिनट 63 जाना है। ये वाला पोर्शन भैया 63 है, या यूँ टर्न ले लो या यहाँ से अंदर से चले जाओ। हाँ हाँ अंदर से चले, यहाँ से दूसरा पहला मत जाना, दूसरे कट से। जो टोटल अर्निंग हुई है, फाइनल टाइम आ गया है, वैसे 3 बज गया है, तो शायद मैं अब थोड़ा सा अगर कोई रूट आता है राइड तो लूँगा, नहीं तो मैं सीधा घर जाऊँगा। हाँ सोच तो रहा हूँ कि 5 बजे तक चलाऊँ, बट अब जो है ना दिल्ली में राइडें हैं रात को, बट नोएडा में उतनी नहीं है, इक्का दुक्का मिलता है। अभी आपने देखा भाई जो है 9,500-10,000 रुपये कमा रहे भाई इतना घंटा करके, तो इतने ही हम लोग भी कमा पाते हैं यार। और इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज की बात कर लेते हैं टोटल कमाई, मैंने जो बाइक मेरे चली है दोस्तों वो चली है मेरी 70 से 75 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है, अर्निंग हुई है 540 रुपये। पेट्रोल नहीं डलवाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं परसों 5 लीटर डलवा चुका था परसों में, इसलिए नहीं डलवाया। ठीक है, होप आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। बीच में गोप्रो धोखा दे रहा है कभी कभी, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है, बाकी सब बढ़िया है। चार्ज वार्ज लेके चला था, पानी वानी पीते रहे, अपने राजू भाई जो मिले अभी वहाँ पे काफ़ी देर हम लोग साथ में टाइम स्पेंड किया। तो और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हूँ, आप लोग चेक करते नहीं हो। चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।